greater amount of steel. For example, when a civil engineer designs a bridge or a component or a road or a building, or a mechanical engineer designs a machine, and able to various forms of functionality. Starting from the software. Yeah. ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको चर्चा करने से कुछ ना कुछ सलूशन आएगा मिलेगा और एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत हम लोगों को इसको आगे लेके जाना है। इसलिए मेरा ये सारे स्टूडेंट्स को यही अनुरोध है कि रिसर्च ओरिएंटेड हो और एडवांस टेक्नोलॉजी को आविष्कार करके कैसे हम लोगों को इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर में निरंतर सोचते रहें। सर NIT जमशेदपुर, इसमें सर क्योंकि मटेरियल का क्लासेस है तो इसमें कितने अभी तक स्कॉलर, कितने रिसर्च पेपर जो इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं सर? NIT का जो टेक्नोलॉजी है सर उसको क्या इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी को? डेफिनेटली कुछ कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। NIT जमशेदपुर का हो, NIT जमशेदपुर इस तरीके का प्लेटफॉर्म को आज बनाया है, इसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। NIT जमशेदपुर को धन्यवाद। और NIT जमशेदपुर का टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहा है और NIT बाकी NIT के भी जन टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री यूज कर रहा है, तो इसलिए इंडस्ट्री इन लोगों के ऊपर में आभार है और इन लोग भी इंडस्ट्री के ऊपर में आभार है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना AD लाइफ। NIT जमशेदपुर 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एडवांसमेंट एंड मटेरियल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी शॉर्ट फॉर्म AMPT 2023। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें एक तरफ मृणाल का इतना अधिक खनन हो चुका है कि वह घटते जा रहा है और इन्वायरमेंट को भी देखना है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े डेलीगेट आए थे, IIT कानपुर से, IIT खड़गपुर से और जिंदल इस्पात से, रुंगटा से, और सबसे बड़े बड़े चीज़ की हमारे जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातु क्रम NML से भी प्रोफेसर आए थे और NIT के भी बड़े बड़े प्रोफेसर थे। और लेकिन हमारे साथ रंजीत प्रसाद जी हैं, HOD हैं, जो इस विषय के और अधिक विशेष जानकारी देंगे कि यह जो प्रोग्राम है क्यों महत्वपूर्ण है। सिर्फ यह प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे देश के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर आप बताया जाए कि यह जो प्रोग्राम होता है कितने साल तक किया गया है और यह कितना साल का प्रोग्राम है और ये अभी वर्तमान में आज कहाँ कहाँ से किस किस विषय में डिस्कशन हुआ? AMPT 2023 ये हम लोगों का तीसरा वर्ष है। पहला दो वर्ष हम लोगों ने नेशनल किया था और इस वर्ष इंटरनेशनल कर रहे हैं। अभी एडवांसमेंट इन मिनरल मटेरियल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो मटेरियल में रॉ मटेरियल भी आ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्स मिनरल भी आ जाते हैं और जो कंपोजिट मटेरियल है या नैनो मटेरियल है या स्मार्ट मटेरियल है सभी आते हैं। तो जहां एक और हमको जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटी बने या फ्लाईओवर बने, कुछ भी बने, हमको स्टील का भी ज़रूरत पड़ता है, सीमेंट का भी ज़रूरत पड़ता है और फिर जैसे हम स्पेस में जा रहे हैं तो नए मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है। तो लेकिन इस जहां पर भी हम मेटल प्रोडक्शन करते हैं तो उसके साथ में जो है प्रदूषण भी जुड़ा रहता है। तो हमारे पास चैलेंज यह है कि एक और प्रदूषण को कम करना और दूसरे और हमारे आवश्यकता के अनुसार मेटल का भी और जो भी दूसरे मटेरियल हैं उसका भी निर्माण करना। तो अभी हमारे सरकार ने UNO के तहत जो एग्रीमेंट साइन किया है वो कार्बन न्यूट्रलिटी का साइन किया है, जीरो कार्बन इमिशन का एग्रीमेंट साइन किया है, सर्कुलर इकोनॉमी का एग्रीमेंट साइन किया है। ये सब हमको भारत में लागू करना है और उसके लिए टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पेड़ लगा करके एक और प्रदूषित हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं लेकिन केवल उतना से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी में जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला इंडस्ट्री है वह स्टील
और सबसे अधिक हीट एनर्जी कंजम्पशन वाला है एल्युमिनियम। लेकिन जब एनर्जी की बात करते हैं तो हम जो अभी उपयोग कर रहे हैं वो फ्यूल एनर्जी कर रहे हैं, फॉसिल से फ्यूल कर रहे हैं, तो मतलब कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, तो इससे प्रदूषण फैलता है। तो अगर हमको प्रदूषण को कम करना है तो ग्रीन एनर्जी में जाना होगा। हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, और इस प्रकार के जो भी ग्रीन एनर्जी है जिसमें कि कार्बन नहीं छूटता है, ऐसे एनर्जी में जाना पड़ेगा। तो उसी को लेकर के एक और हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी ओर है कि नए नए मटेरियल्स का चैलेंज कि हल्का भी होना चाहिए और मजबूत भी होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का डिस्कशन एक जो राष्ट्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है उसके तहत भी है कि इंडस्ट्री को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ मिल करके एक प्लेटफॉर्म में काम करना है, एक दूसरे के सहयोगी बन करके काम करना है, ताकि जो स्टूडेंट तैयार हो वो आज के टेक्नोलॉजी के लिए वो जानकार हो और सीधे सीधे काम में लग सके, वो गैप नहीं रहे। इसलिए हम लोगों ने एक और जहां एनिमल से बड़े साइंटिस्ट को बुलाया था, जिसमें अपने मनीष झा जी थे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिसाइकलिंग का काम करते हैं और उसमें बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें संचिता चक्रवर्ती जी थी जो मिनरल प्रोसेसिंग डिवीज़न को हेड करती हैं, कोल में उनका बहुत काम है। विद्याधर अरिजीत है, उसी प्रकार से JSW से उसके AVP श्री UC मिश्रा जी थे और उनके सहयोगी GM वो थे। रुंगटा से जेना जी थे जो GM थे। अपने दुबई से रे साहब आए हुए हैं। प्रोफेसर्स में निफ्ट के डायरेक्टर, जो इसका नाम आजकल हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मटेरियल प्रोसेस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, उसके डायरेक्टर पार्थव जी थे। इंद्रनल मन्ना जी ऑनलाइन थे, ओएन महंती जी ऑनलाइन थे, दीपक मजूमदार जी बहुत प्रसिद्ध IIT कानपुर के प्रोफेसर से रिटायर किए हैं लेकिन आज भी बहुत एक्टिव हैं रिसर्च के फील्ड में। तो ऐसे लोग आपस में मिले, उनके विचारों को हम लोगों ने सुना, साथ में स्टूडेंट भी थे और उन स्टूडेंट के में एक विचार गया कि आगने वाले समय में हमको क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। और कुल मिला करके जो सस्टेनेबिलिटी को लेकर के है, एक अवेयरनेस स्टूडेंट के बीच कि कोर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सा डायमेंशन है, इन सब चीज़ों पर एक और जहाँ स्टूडेंट प्रेरित हुए, दूसरे ओर ऐसे लोग आपस में मिल करके और बातचीत करके अभी जो देश ने उद्देश्य तय किया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के एक साथ काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रंजीत सर, आपने 3 साल में मेहनत करके वह प्लेटफॉर्म को ला दिया है कि जो कल तक NIT जमशेदपुर कैंपस में होता था डिस्कशन, उसको आप राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए और अभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में डिस्कशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि NIT में इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं। लेकिन 13 जुलाई और 14 जुलाई की भारत एक बहुत बड़ी इतिहास में गिनती होने जा रहा है और वह भी टेक्नोलॉजी के बेस में। आप भी एजुकेशन करवाते हैं टेक्नोलॉजी के बेस में, भारत चंद्रयान 3 छोड़ रहा है और वह भी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, जो 4 ही देश के पास है। तो इसके विषय में, इस सेक्टर से अलग लेकिन हमारी देश की बात है, टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन से, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत यह जो स्पेस यान छोड़ रहा है वह हमारे भारत के लिए कितनी बड़ी वरदान है, कितनी बड़ी वह टेक्नोलॉजी है जो हमें भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब मिल के उसको लॉन्च करने वाले हैं और उसकी उल्टी गिनती हो चुकी है। वास्तव में मटेरियल हर जगह काम आता है। आप सोचिए कि जब पृथ्वी का टेम्परेचर कहीं एक जगह -30 डिग्री भी रहता है और कहीं 30 डिग्री भी रहता है, लेकिन जब यान ऊपर की ओर जाता है तो ये जो 24-25 डिग्री से घटना शुरू होता है तो -60 डिग्री और ऊपर उससे जाने से और भी माइनस में चला जाता है। तो किसी भी मटेरियल को उस टेम्परेचर को तुरंत बदलते हुए टेम्परेचर को बर्दाश्त करना, जब इस वातावरण को छोड़ता है तो उस स्पीड के साथ फ्रिक्शन को बर्दाश्त करना, उसके साथ जो टेम्परेचर, तो ऐसे मटेरियल तेजस जो बना भारत में, तो उसका जो मटेरियल पूरे
पूरे भारत के द्वारा बनाया हुआ था। तब भारत धीरे धीरे मटेरियल के फील्ड में सक्षम हो रहा है। जब हम कोई अभियान करते हैं, स्पेस का भी अभियान करते हैं, तो केवल हम यहाँ से चांद तक नहीं पहुँचते, हम मंगल तक नहीं पहुँचते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप होते हैं और उस टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ते हो। कैमरा का टेक्नोलॉजी होता है, GPS का टेक्नोलॉजी होता है, कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी होता है, तो ऐसे तो इसलिए भारत एक एक करके हर फील्ड में जो टेक्नोलॉजी उससे जुड़ा हुआ है, हम सक्षम हो रहे हैं। और अब तो हमारे स्टूडेंट भी सैटेलाइट बना करके छोड़ रहे हैं, जो अलग अलग कॉलेजों में अब सुनने में आता है कि उस कॉलेज के लड़कों ने सैटेलाइट बनाया और उसको फिर छोड़ा गया। अब विदेश के लोग भी आ रहे हैं हमारे यहाँ उपग्रह ले करके कि भाई हमारे आपके सैटेलाइट से हम इसको स्पेस में लॉन्च करेंगे। तो भारत प्रगति कर रहा है और अपने स्वतंत्रता पूर्वक आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हथियार का निर्माण हो, मशीन का निर्माण हो, लेकिन हम परमाणु शक्ति का निर्माण हो, हम शांति प्रिय ढंग से अपने शक्ति को बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं और हम विकसित देश होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सब मिल करके करेंगे तो हम विकसित देश की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज़ादी का जो 75वां साल चल रहा है तो इसके अनुरूप हम सब जो मिल करके काम कर रहे हैं। और इस बार जो अध्यक्षता कर रहा है भारत G20 का, इसमें जो बहुत सारे आयामों में काम चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ेगा हर फील्ड में। निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ेगा। और एक डिस्कवरी चैनल में एक प्रोग्राम था मैन एंड मशीन, मैन को भी उतना हिसाब से ब्रेन को आगे करना है और मशीन को भी आगे करना है, और दोनों ही चीज़ में भारत बहुत आगे जा चुका है, चाहे टेक्नोलॉजी NIT का हो, चाहे इसरो का हो, दोनों जगह भारत का तिरंगा लहरेगा। और भारत जब खुशी होगी, भारत जब तरक्की करेगा तो उसका फ़ायदा यूथ को होगा, और या यूथ उस फायदा को उठाए, समझे और अपने देश को आगे बढ़ाए और विश्व की कल्याण करे। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।